हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गॉड, हम लोग टाइम पे पहुंच गए, नहीं तो हमें पार्टी मिस ही कर देते। तुम्हारी गलती है ना, तीन तीन बार कपड़े चेंज करने की क्या जरूरत है तुम्हें? अब बताओ, मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना? हमारी बोट कर सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता। Thank you.
अमृता जी, कैसा लगा मैं आपको यहाँ लेकर आया तो? सच बोलूँ तो पहले मुझे यकीन ही नहीं था, पर यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम लोग, बहुत देर लगा दी है? सर, इस वक्त मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है सर, तो प्लीज मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, मुझे मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दीजिए सर। तो मैं एक बार घर हुआ हूँ, उसके बाद आप जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं सर, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं खुद आऊंगा आपके पास। कोई नई बात नहीं है, पकड़े जाने के बाद हर मुजरिम कोई ना कोई बहाना जरूर बनाता है। मैं सच कह रहा हूँ सर, सर मैं ये अपने लिए नहीं सर, अपनी बीवी अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ सर, सर उनकी उनकी जान खतरे में है सर। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमसे कहा गया है कि अगर मैंने अमृता नाम की औरत को नहीं मारा तो वो मेरी वाइफ को मार देंगे सर। शुरू से बताओ बात क्या है?
आज सुबह मुझे मेरे ऑफिस में एक फोन आया था सर। उसने मुझे कहा कि वो लोग मेरी बीवी को मार देंगे अगर वो जिसे कहते हैं उसे नहीं मारा तो। सर फिर मुझे अपने ऑफिस के डेस्क पे एक बहुत बड़ा एनवलप मिला सर। सर उस एनवलप में एक पिस्तौल थी और अमृता नाम की औरत की फोटो थी सर। और फिर क्या किया तुमने? अपनी बीवी की जान बचाने के लिए गोली मार दी सर? नहीं सर, सर मैंने तुरंत अपनी बीवी को फोन किया सर, लेकिन फोन मेरी बीवी के बजाय किसी आदमी ने उठाया सर। सर और उसने मुझसे कहा कि मेरी बीवी और पूरी फैमिली हुक्स के कब्जे में है सर। और फिर उसने मुझसे कहा कि अगर मैं वो नहीं करूंगा जो वो मुझसे करने के लिए कह रहे हैं सर, तो वो उसे पीछे से मेरे बीवी की रोने की आवाज आ रही थी सर। प्लीज मेरी बीवी को, मेरी फैमिली को बचा लीजिए सर। कहाँ है तुम्हारा घर? होशियारी नहीं, भागने की कोशिश की ना तो गोली मार दूंगा, समझा? मेरी पूरी फैमिली की जान खतरे में सर, बिल्कुल नहीं भागूंगा। श्रेया, तुम एक काम करो, घर के पीछे वाले रास्ते से जाओ। दिव्या! दिव्या! ये क्या हुआ दिव्या? दिव्या! दिव्या आंखें खोलो दिव्या! दिव्या क्या हो गया तुम्हें? दिव्या! दिव्या उठो ना दिव्या! दिव्या प्लीज उठो ना! दिव्या! दिव्या उठो ना दिव्या! क्या हुआ दिव्या? दिव्या! सुनिए! दिव्या! एक मिनट! सर ये देखिए! लग रहा दिव्या को मार दिया सर! दिव्या! एक मिनट आप! दिव्या! दिव्या! सुनील! दिव्या! सुनील उठो! दिव्या! उसको छोड़ो छोड़ो प्लीज! इधर आओ! दिव्या! इधर आओ! सर! दिव्या को मार दिया सर! एक मिनट! दिव्या! 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 आने में देरी होगी सर। सर इसे भी गोली मारी है। कौन है ये? ये हमारी नौकरानी है माला। माँ, सर मेरी माँ, 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 माँ छोटा भाई बंटी मेरा छोटा भाई सर बंटी मेरा छोटा भाई सर बंटी बंटी बंटे 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 अभिजीत कभी नहीं छोड़ा।
सर, मेरी बीवी और माँ को मार दिया सर, इन्होंने क्या किया था सर? हाँ, एम्बुलेंस को फोन कर दिया, कुछ ही देर में पहुंचती होगी। गुड। बंटी ठीक है ना सर? हाँ सर, सर मेरा भाई बंटी ठीक है ना सर? हाँ सर, बंटी 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 ठीक है सर? अमृता जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कौन सा दुश्मन है ये आपका जो सुनील को आपको मारने के लिए कहता है, और फिर जब सुनील आपको मारने में नाकामयाब होता है तो इसके पूरे परिवार को खत्म कर देता है? है कौन ये सब? इस वक्त तो मेरी जान के दुश्मन 60,000 लोग हैं। क्या 60,000? 60,000 दुश्मन है? जी सर, पिछले कुछ महीनों से मेरी कंपनी के शेयर्स बुरी तरह से गिर चुके हैं। इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा मिट्टी में मिल चुका है सर। तो आपको लगता है कि वो लोग आपकी जान ले सकते हैं? हो सकता है। मेरी कंपनी के हालात इतने खराब हैं कि पिछले 3 महीनों से मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी नहीं दे पाई। ऐसे में सर कोई मेरा दुश्मन कैसे नहीं बनेगा? इसका मतलब है अब हमें 60,000 लोगों में इस कातिल को ढूंढना होगा। अमृता जी एक बात बताइए, आप सुनील को पहले से जानती हैं? नहीं सर, मैंने तो इसे कल पहली बार देखा जब इसने गोली चलाई। और सुनील तुम जानते थे अमृता जी को? नहीं। कमाल, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, फिर कातिल ने तुम्हें क्यों चुना इन्हें मारने के लिए? हैं? सुनील, तुमने कहा था ना कि वो धमकी भरा फोन तुम्हारे ऑफिस में आया था? जी सर, मेरे कैबिन के लैंडलाइन पर। सुनील सर, आप? मैंने तो सोचा था आपको, देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। सुनील ने हमें बताया कि कल सुबह इनको एक फोन कॉल आया था, हमें यह पता करना है कि वो फोन कॉल इनको यहाँ किस नंबर से आया था। हमारे पास उन सारी नंबर्स की लिस्ट है जिनसे कल सुबह 10:30 से 11 के बीच कॉल आया, देख कर बताइए आपने कौन सा नंबर ट्रांसफर किया था। पर सर, मैंने तो कल कोई कॉल ट्रांसफर ही नहीं किया। क्या कल आपने यहाँ से सुनील के कैबिन में कोई नंबर ट्रांसफर नहीं किया? सर, कल दोपहर तक मेरा ये फोन खराब था इसलिए मैं कोई भी कॉल ट्रांसफर ही नहीं कर पाई। जो भी कॉल्स आए मैंने मैसेजेस लिए और फिर अर्जुन के थ्रू उन तक पहुंचा दिया। क्यों अर्जुन? जी हाँ सर, जी हाँ सर। हुँ? अगर इन्होंने कोई कॉल ट्रांसफर किया ही नहीं तो सुनील को कॉल आया कहाँ से? लगता है पंकज ये फोन कॉल किसी ऑफिस के आदमी ने ही किया है, ऑफिस के किसी इंटरकॉम से। सर इसका तो एक ही मतलब है कि इन सब में ऑफिस वाला जो मिला होगा जिसने सुनील को फोन किया अमृता को मारने के लिए। हो सकता है। निखिल, सुनील जरा ठीक से याद करके बताना एग्जैक्टली कल सुबह यहाँ पे हुआ क्या था। सर डोंट वरी सर, आपका फ्लैट एकदम टाइम पे रेडी होगा। यस सर, या गुड डे, थैंक यू।
कौन हो तुम? नाम नहीं, सिर्फ काम सुनो। उस पार्सल में एक लड़की की फोटो है, उस लड़की को तुम्हें मारना है। अगर ये नहीं मरी तो तुम्हारी बीवी मरेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? बकवास नहीं है, सच है ये। अगर यकीन नहीं आता तो अपने घर पर फोन करके देख लो। हेलो दिव्या। दिव्या नहीं, आप तो समझ गए होंगे कि तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है, इसलिए जैसे बॉस बोल रहे वैसा करो, समझे? हेलो, हेलो, क्या चाहिए तुम्हें? कहा ना मैंने कि लड़की को मारना है आज अभी, क्योंकि वक्त तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है। मिस्टर सुनील, हो सकता है जिस आदमी ने आपको वो फोन कॉल किया था उसी ने लिफाफा यहाँ रिसेप्शन में छोड़ा। अच्छा, आपकी जब बात हुई थी उस आदमी से फोन पे, तो आपने पीछे कोई आवाज सुनी? सर, किसी आदमी की आवाज थी, साफ सुनाई नहीं दे रहा था सर। कुछ हड़कड़ाहट सी थी जब वो बात कर रहा था, तो पीछे कुछ आवाज आ रही थी सर, जैसे किसी मशीन के चलने की आवाज। मशीन ऑफिस में? यहां इस ऑफिस में ऐसी कोई जगह है जहां पे कोई मशीन रखी गई है? मशीन का है? उस तरफ। सब ठीक। मशीन ऑन करो। सुनील, ध्यान से आवाज सुनो, ये आवाज है? नहीं सर, नहीं। ये आवाज? हाँ सर, बिल्कुल यही आवाज थी। और ये आसपास कोई फोन तो है नहीं? सर, इस मशीन के पास तीन कैबिन है, हो सकता है कॉल इनमें से किसी ने किया हो। इन कैबिन्स में कौन बैठता है? सर, मेरा नाम अनंकना है, ये मेरा कैबिन है। और मैं माया, ये सेकंड वाला केबिन मेरा है। फोन किया था किसी आदमी ने, और ये तीसरा केबिन, ये किसका है? सर, ये केबिन तो बहुत टाइम से खाली पड़ा है। चल रहा है। कल सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में आप लोगों ने इस कैबिन में किसी आदमी को जाते हुए देखा? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे नहीं थी। हाँ सर, मैंने देखा है, वो अर्जुन था जो हमारा पियून है। अभी अभी तो यहीं पर था। कहाँ गया अर्जुन? अर्जुन सर यहाँ पे है। चूहा भाग रहा था,
साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बतवारिएगा साहब, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। मुझे मुझे ड्रैको भाई ने यह सब करने को कहा था। ड्रैको कहाँ मिलेगा तेरा भाई? ड्रैको को आएगा ना साहब? साहब यही तो मिला था, वो हर सोमवार हफ्ता लेने यहाँ आता है, वो आता ही होगा। अगर वो नहीं आए ना बेटा तो तू तू लंबी छुट्टी पे जाएगा, लंबी छुट्टी पे। ये सही है सर, खुद आप छपरे के नीचे खड़े हो, हम लोग यहाँ पे धूप में खड़े, इससे तो अच्छा भिखारी बना दिया होता, खड़े खड़े पैर दुख रहे। अरे हालत खराब होगी इधर। अरे ये चीटिया, अरे अरे भैया कांदा क्यों गिरा रहे हो? ओ मैडम ये कांदा नहीं है, देश का रतन है, इससे सरकारें की तख्ता पलट हो जाता है। अच्छा दे दो फिर कांदा दे दो। अरे अरे ये पंकज, ये नाचना बंद करो और अपने आंखें खुली रखो, और तुम सब आसपास नजर रखना। आज में टकला है, टकला कान में बाली पहनता है और दो चमचे हमेशा उसके साथ रहते हैं। सर एक टकला सा आदमी आ तो रहा है यहाँ पर आपके पीछे 45। ये डाको यही है साहब, यही है, सब तैयार रहना। अबे क्या बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं बेटा दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। अबे अंकल को दिखाई नहीं देता है, चल चल उठो उठो। अरे उठा भाई उठा, आराम से आराम से। कहीं लगा तो नहीं? हाँ मेरी मेरी छड़ी कहाँ बेटा? अच्छा छड़ी दे, ये लीजिए, ये यहाँ है, यहाँ मेरा चश्मा भी शायद। चश्मा चश्मा देख, ये लीजिए अंकल चश्मा। हाँ चश्मा मिल गया, पहना दो चश्मा, पहना दो बेटा। मोबाइल दिया तो रिचार्ज का पैसा भी मांग रहे ले। लो हैंडसम हो आप अंकल, ठीक है बस। थैंक यू बेटा थैंक यू। अब बेटा एक मिनट, अब इतना किया है तो थोड़ा ये मेरी दाढ़ी जरा एडजस्ट कर लेना। दाढ़ी से लड़कियों को लाइन मारोगे क्या बुड्ढा रसिक? अरे अंकल दाढ़ी झड़ रहा है। क्या हुआ बेटा? सियाड़िया भाग, हाँ
अरे तुम लोग को क्या लगता है अपन इस खेल में कोई नया चावल है? तुम सब मिलके अपन को मस लेगा और अपन पिस जाएगा। ना भाई इधर अपन घिस घिस के ना जिसके मास्टर हो गया मास्टर। यस यस यस। तुम्हारा मुंह कैसे खोलना हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी भी साहब हमारा ये महकमा है ना ये अपन के लिए स्कूल नहीं है ये प्लेग्राउंड है। अरे तुमको मालूम होएगा तुमको इधर मैं थोड़ा थोड़ा दिन में इधर आता रहता है मैं तुम लोगों के साथ मैच खेलने को। और तुम क्या करेगा तुम लोग मेरे को थोड़ा बहुत मारेगा टपली मारेगा इधर उधर मारेगा उससे क्या होगा मैं जान से थोड़ा मारेगा। सुनील के परिवार को क्यों मारा तुमने? बॉस अपुन का जो ये सिस्टम है ना सिर्फ इसलिए आउटगोइंग नहीं है। और तुमको कौन बोला कि मैं किया ये सब? मैं किसी को नहीं मारा आई शपथ। अरे अपुन तो सीधा साधा भोला बना नन्ना मुन्ना छोटा मोटा प्यारा से बच्चा है। यस यस। सर इसे थोड़ी देर के लिए मेरे साथ अकेला छोड़ दीजिए। इसका इनकमिंग आउटगोइंग सब शुरू करवा दूंगा सर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अंदर से एफएम रेडियो भी बजवा दूंगा सर। ले जाओ इसे दया। दया yes. नहीं आज नहीं अभिजीत नहीं रोक नहीं रहा मैं भी साथ चल रहा हूं। yes! साहब अपने को लो मालूम है आईपीसी सीआरपीसी सब अपने को मालूम है हाथ नहीं छोड़ना साहब साहब मालूम है अपने को साहब आप साहब देखो साहब हाथ नहीं छोड़ना साहब। अमृता की कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में क्या पता चला? पर लिस्ट निकाली है और सुनील से डबल चेक भी कर रहा है लेकिन ऐसा कोई भी नाम नहीं जिसे वो जाने। सर उस लिस्ट में तो हजारों नाम हत्यारा उनमें से कोई भी हो सकता है फिर हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? पहुंचेंगे क्यों नहीं पहुंचेंगे? बच्चे को मारता तू तुझे जान से मार दूंगा मैं। अरे सर मैंने कभी अभिजीत सर को और दया सर को इतने गुस्से में नहीं देखा कभी लाइफ में। तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हो रही है पंकज। मैंने इन दोनों को ऐसा कभी नहीं देखा था पता नहीं क्यों बच्चों को लेकर दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल है और इस केस में तो इन्होंने ऐसा कुछ देख लिया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जिंदा है ना? हाँ सर जिंदा है। काफी दिनों तक गाना नहीं गा पाएगा उसका सही इलाज जेल में होगा सर उसे मुंह खोल दिया है उसने ये सारे मर्डर्स किए हैं। सर इसे सुनील की वाइफ को मारने के लिए भेजा गया था लेकिन गन हाथ में आते ही पागल हो जाता है सबको मार डाला। ये काम उसने कल दोपहर 12 बजे ही किया था। मतलब ध्रुव को मारने से पहले ही उसने मारा है? हाँ सर जिसने भी ड्रैको को भेजा था ना वो चाहता था कि सुनील की वाइफ हर हाल में मर जाए चाहे सुनील अमृता को मारे या ना मारे। किसने कहा था उसे मारने के लिए? आपको यकीन नहीं होगा सर कितना अंधेरा कर रखा है यार कहां मर गए सब? मालती संजू Thank you.
कर रहे हो? वो मैडम अपने छोकरे लोग को भूख लग रही थी, तो मैं बोला अभी आपका घर इधर है तो अपना ही घर है ना, तो रेस्टोरेंट में खाली पीली पैसा गाय को गलाने का, तो आपके जो फ्रिज में रखेला था ना उससे अभी काम चला ले ले, अगर थोड़ा गरम गरम बिरयानी बना दोगी तो मजा आ जाएगा। शिमीरा घर है, कोई रेस्टोरेंट नहीं, क्या सबको उठा कर लेकर आए? ए, तुम दोनों निकलो यहां से, और जाको तुम भी निकलो। सुनाई नहीं देता? सीआईडी हाँ, सीआईडी अमृता जी, किसी से काम करवाने से पहले देख तो लेना चाहिए ना कि काम किससे करवा रही हो। ट्रकों ने तो अपना मुंह खोलने में जरा भी वक्त नहीं लगा दिया। खबरदार, आगे मत बढ़ना। रे, खाना खा लिया ना? आगे चल, आगे चल। आगे बढ़ोगी तो मैं गोली चला दूंगी। तो चलाओ गोली। आगे मत बढ़ो। चलाओ गोली। बहुत शौक है ना गोली चलाने का तुम्हें? सुनील के परिवार को क्यों मारना चाहती थी तुम? मैं सबको नहीं मारना चाहती थी, सिर्फ दिव्या को, सुनील की वाइफ। लेकिन इस बेवकूफ डाकू ने अपने पागलपन में सबको मार दिया। मैं जब दिव्या को मार रहा था तो बाकी परिवार वालों ने देख लिया, मुझे सबको मारना पड़ा। इन बच्चे को भी नहीं छोड़ा तूने, बच्चे को मारा। लेकिन तुम सुनील की वाइफ को मारना क्यों चाहती थी? ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? अपने छोटे भाई का बदला लेना चाहती थी। वो दिव्या से बहुत प्यार करता था, लेकिन दिव्या ने उसके प्यार को ठुकरा दिया और सुनील से शादी कर ली। मेरा भाई इस सदमे में पागल हो गया। लेकिन तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि गोली तुम्हें नहीं लगेगी? तुमने तो अपना फोटोग्राफ दिया था ना सुनील को, और ये भी कहा था कि इसी को मारना। ये तो तुम बाल बाल बच गई जब तुम्हारा पति बीच में आ गया, नहीं तो यही तो मेरा मास्टर स्ट्रोक था। ओ, मैं जानती थी कि मेरा पति मुझे बचाने जरूर रहेगा। उससे बहुत प्यार जो करता था, सुनील की हर हरकत पर मेरी पूरी नजर थी। लेकिन क्या मिलने वाला था तुम्हें ये सब करके? क्यों क्यों किया तुमने ये सब? अपने पति के इंश्योरेंस का पैसा और जिन लोगों ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था उनसे सहानुभूति पाने के लिए। वाह, मैं जानती थी कि इस हादसे के बाद कोई मुझे पैसे मांगने नहीं आएगा, और मैं अपने आप को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करके किसी और देश में सेटल हो जाती, एक नई जिंदगी की शुरुआत करती। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? एक पति जो तुमसे इतना प्यार करता था उसे मरवा दिया, अपने भाई के बदले में तुमने एक पूरा परिवार नष्ट कर दिया, पूरा परिवार।
और ये सब करने के बाद तुम एक नई जिंदगी जीना चाहती हो तो ठीक है, जी लो नई जिंदगी, लेकिन बाहर कहीं नहीं, जेल की सलाखों के पीछे, तब तक जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आता, तब तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।